खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र तिवाड़ी। पेश है आज की हेडलाइंस। कांग्रेस ने राज्य सरकार पर हल्ला बोल किया धरना प्रदर्शन। प्रदेश में सुविधाओं के अभाव और ठप कानून व्यवस्था सहित उठाए कई मुद्दे। अलवर कोर्ट परिसर में नियमित सफाई के लिए जजों ने नगर निगम को किया पाबंद, साथ ही चलाया सेवा ही स्वच्छता अभियान। 3 माह बाद खुले सरिस्का में सैलानियों की रही चहल पहल। 43 बागों के कुनबे के चलते साइटिंग में होगी आसानी। और अलवर में रामलीलाओं का दौर हुआ आरंभ। अवैध समाज में 109 साल से जारी है सिलसिला, वहीं तांगा स्टैंड पर भी रोजाना होगा मंचन। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। कांग्रेस ने अलवर जिला मुख्यालय सहित प्रदेश भर में मंगलवार को धरना प्रदर्शन किया। यहां मिनी सचिवालय के गेट पर धरना देकर राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं अलवर तहसीलदार ने गेट पर पहुंचकर ज्ञापन लिया। उधर जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा के अनुसार 10 सूत्रीय मांग पत्र में राज्यपाल को सरकार की विफलताओं को गिनाया गया है। मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में बिजली पानी की आपूर्ति की स्थिति खराब है, साथ ही चिकित्सा और शिक्षा सेवा चरमरा गई है। इसके अलावा कानून व्यवस्था ठप है एवं भ्रष्टाचार फैल रहा है। उन्होंने बाजरे की फसल की सरकारी खरीद नहीं होने का मुद्दा भी उठाया। हमने उनका जन्मदिन मनाने की बात कही थी तो उनका सारे प्रदेश के कांग्रेस जनों को एक निर्देश आया कि राजस्थान की सरकार के कार्यकाल को 10 महीने पूरे हो गए और 10 महीनों में उन्होंने कोई उपलब्धि तो की नहीं, उनकी 10 अनुपलब्धि है। उनको जनता के बीच में जाकर बताओ, मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन करो और सर महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन देकर ये मांग करो कि सरकार अपनी कार्यशैली में सुधार करे। प्रदेश में बिजली और पानी की जो दुर्दशा हो रही है, जनता त्रस्त हो रही है, उसको दूर करे, महंगाई कम करे, युवाओं को रोजगार दे, उसके अलावा किसानों की जो बाजरे की खरीद है उसकी MSP की रेट तय करें और बाजरे खरीद करवाएं। सिरसों की बुआई आ रही है, किसानों को DAP उपलब्ध करवाएं, उसकी कालाबाजारी बंद करवाएं। इस तरीके से ये जो 10 अनुपलब्धि उनकी है, उनको हमने यहाँ आज महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन दिया जिला कलेक्टर महोदय को, और हमें उम्मीद है कि राष्ट्रपति महोदय इस पर संज्ञान लेंगे और राजस्थान की सरकार को निर्देशित करके और राजस्थान प्रदेश की जनता की समस्याओं को समाधान करवाएंगे। इसी लक्ष्य में हमने आज यहाँ धरना प्रदर्शन किया था। उधर धरना प्रदर्शन में राजगढ़ विधायक मांगीलाल मीणा, पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह चौधरी, जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव अनवर साजिद खान, PCC महासचिव अजीत यादव और सचिव गफूर खान के अलावा महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष कमलेश सैनी आदि उपस्थित रहे। उधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के जन्मदिन पर मंगलवार को जरूरतमंदों को भोजन करवाया गया। अलवर के मालवीय नगर में जगन्नाथ मंदिर के सामने स्थित इंदिरा गांधी अन्नपूर्णा रसोई में यह क्रम चला। जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा और राजगढ़ विधायक मांगीलाल मीणा के अनुसार इस मौके पर केक काटा गया और पौधे भी लगाए गए। उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस ने लगातार बेहतर प्रदर्शन किया है। माननीय योगेश मिश्रा जी हमारे अध्यक्ष और DCC के यहाँ के, उनके सानिध्य में उसके दिशा निर्देश अनुसार हमने यहाँ पहले राजीव गांधी पार्क में पौधारोपण किया गया था। उसके उपरांत में महामहिम राष्ट्रपति के नाम के ये BJP सरकार की विफलता के जो कारण है सारे बिंदुवार, वो हमने मांग किए कि इनको सद्बुद्धि दे और जनता के हित में काम करे, उनका जीवन स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो और उनका राजनीतिक भविष्य उज्ज्वल हो। उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज हमने राजीव गांधी पार्क में पौधारोपण किया। उसके बाद जिला कलेक्ट्रेट अलवर मिनी सचिवालय पर महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया, जिसमें राजस्थान की भाजपा सरकार की जो 10 अनुपलब्धि है, युवाओं को बेरोजगार रख रखा, इन्होंने रोजगार नहीं दिए, किसानों के MSP तय नहीं करी, बिजली पानी की समस्या है, सड़कों में गड्ढे पड़े हुए हैं, शहर की सफाई व्यवस्था बदहाल है और डीजल पेट्रोल के दाम पड़ोसी राज्य हरियाणा में कम है या ज़्यादा है, इन सब चीज़ों में सुधार करने के लिए महामहिम राज्यपाल महोदय से निवेदन किया है
कि वो राजस्थान प्रदेश की भाजपा सरकार को, भजनलाल सरकार को निर्देशित करे कि प्रदेश की कानून व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा, युवाओं को रोजगार, किसानों की फसल का खरीद मूल्य, ये सारी चीज़ें तय करें, बिजली पानी की व्यवस्था दुरुस्त करें, सड़कों के गड्ढे खत्म करें और शहर में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखें। इसी को लेकर के आज हमने एक ज्ञापन दिया है और उसके बाद अन्नपूर्णा रसोई में मालवीय नगर में रूपवास जगन्नाथ मंदिर के सामने हमने जरूरतमंद बच्चों को और महिलाओं को यहाँ भोजन कराया। गोविंद सिंह डोटासरी जन्मदिन के उपलक्ष्य में केक कटवाया बच्चियों से। अलवर जिला न्यायालय परिसर में साफ सफाई को लेकर संबंधित कर्मचारियों और नगर निगम को निर्देश दिए गए हैं। मंगलवार सुबह विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष हरेंद्र सिंह के निर्देश पर न्यायालय प्रांगण में स्वच्छता ही सेवा अभियान चला। इसमें सभी पीठासीन अधिकारी और न्यायिक कर्मचारी शामिल हुए। उधर बार एसोसिएशन ने न्यायालय परिसर में नियमित रूप से सफाई नहीं होने एवं कचरे और मच्छरों की भरमार से बीमारियों के खतरे की ओर ध्यान दिलाया था। साथ ही प्राधिकरण को पत्र लिखकर नगर निगम को पाबंद करने का आग्रह भी किया था। वहीं जिला जज हरेंद्र सिंह ने बताया कि कोर्ट परिसर में काफी जगह गंदगी मिली जिसकी सफाई करवाई गई है। इसके अलावा नियमित स्थान पर ही कचरा डालने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही नगर निगम को पत्र लिखकर स्थायी कर्मचारी लगाने की हिदायत भी दी गई। प्राधिकरण सचिव मोहनलाल सोनी ने इसे लेकर नगर निगम आयुक्त को पत्र भेजा है। आज इस अभियान के दौरान हमारे सभी ऑफिसर्स, कर्मचारी और अधिवक्तागण आए हुए हैं और हम लोगों ने आज इस कैंपस की साफ सफाई को लेकर के अभियान चलाया तो देखा कि बहुत सारा कचरा इधर उधर पड़ा हुआ है। तो ये तो रोजाना की बात है और ऐसे ही कहा भी जाता है कि अपना शरीर की सफाई रखेंगे, स्वस्थ रहेगा शरीर और मन भी स्वस्थ रहेगा। ये तो पर्सनल हाइजीन की बात हो गई। जो जिम्मेदार ऑफिसर्स हैं उनको विशेष अभियान चलाते रहना चाहिए, खुद को भी, और सुपरविजन बहुत ही स्ट्रिक्टली करना चाहिए जिससे कि साफ सफाई केवल एक दिन का अभियान बन करके नहीं रह जाए बल्कि रोजाना की आम जिंदगी में ये अपना एक कार्यकलाप का हिस्सा बन जाए। तो अगर हर आदमी ये सोचेगा, अपने पार्ट एंड पार्सल बना लेगा स्वच्छता को, तो हमेशा के लिए सफाई रहेगी। सफाई रहती है तो गंदगी दूर रहेगी, गंदगी दूर रहेगी तो आदमी या पशु जो है बीमार नहीं होंगे, बहुत इसका रिमोट प्रभाव आता है। न्यायालय परिषद में सफाई के लिए लिखित में हमने निर्देश दिए हुए हैं और उन्होंने इसलिए न्यायालय नगर निगम के द्वारा दो कर्मचारी भी हमें प्रोवाइड करवाए हुए हैं, लेकिन देखा गया कि दो कर्मचारी बहुत कम रहते हैं और मैंने DLSA के हमारे सेक्रेटरी साहब को कहा है, सोनी जी को, कि दो कर्मचारी और परमानेंटली यहाँ पर साफ सफाई के लिए डिप्लॉय करने के लिए लिखा जाए। जैसे नगर निगम की ये जिम्मेदारी भी है कि जहाँ भी यहाँ न्यायालय में कैंपस में हजारों लोग रोजाना आते जाते हैं। 3 माह के बाद सरिस्का बाग परियोजना में आवाजाही मंगलवार से फिर आरंभ हो गई। सैलानियों का तिलक लगाकर स्वागत हुआ और सदर गेट पर वन अधिकारियों ने फीता काटा। साथ ही हरी झंडी दिखाकर पर्यटकों को जंगल के लिए रवाना किया गया। यहां सभी ट्रैकों पर पर्यटक फिर से घूम सकेंगे। बरसात के मौसम में जुलाई से सितंबर माह तक जंगल बंद रहता है। उधर मंगलवार को पहली पारी में 12 जिप्सियों और 8 कैंटरों द्वारा भ्रमण कराया गया। दिल्ली और गुड़गांव से आए पर्यटकों का कहना था कि बारिश के बाद खासी हरियाली नजर आ रही है। तो जंगल को एक्सपीरियंस करने आए हैं कि जंगल कैसा होगा, क्योंकि ये वाला इसके बारे में बहुत सुना है, टाइगर दिख जाए, लेपर्ड दिख जाए, वही। तो पहले भी आए हो सर इसका? नहीं सर, इसका फर्स्ट टाइम। पहली बार आए? हाँ, टाइगर देखने के लिए। टाइगर देखने। और साल में 2 से 3 बार आते हैं हम जरूर सरिस्का। गुड़गांव से काफ़ी पास है बिकॉज ऑफ दी मुंबई एक्सप्रेसवे जो है, तो हम साल में 2 से 3 बार हर वेदर में आते हैं ज़रूर। और जंगल हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे बर्ड्स हैं यहाँ पे, क्रोकोडाइल्स, टर्टल्स वगैरह की बहुत अच्छी साइटिंग होती है और टाइगर भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी साइटिंग होती है टाइगर्स की भी। इस बार अच्छी बरसात आई है तो क्या उम्मीद है कि अच्छे जंगल बहुत सुंदर रहेगा? साइटिंग में थोड़ी मुश्किल हो सकती है क्योंकि ग्रीनरी ज़्यादा है, बट यू नेवर नो, अच्छी साइटिंग की उम्मीद है। उधर सरिस्का फील्ड डायरेक्टर संग्राम सिंह ने बताया कि बारिश के दौरान खराब हुए रास्ते सितंबर में दुरुस्त कर दिए गए थे। इस बार सरिस्का में पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। 3 महीने के बंद होने के बाद टाइगर रिजर्व की आज शुरुआत है तो काफी अच्छी संख्या में यहां पर टूरिस्ट आए हैं।
जो भी हमारे पास जिप्सी इस जोन में है वो जिप्सी सारी बुक हैं, सारे कैंटर्स यहाँ पे बुक है और जो टूरिस्ट हैं उनमें काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। हमने जो इस बार चूँकि बारिश अच्छी हुई है जंगल में, सब जगह जगह पर पानी के अच्छे स्रोत डेवलप हुए हैं, काफ़ी जगह पानी है और कुछ रास्ते भी खराब हुए थे, उन रास्तों को भी हमने ठीक कराया है। और ये जो विभिन्न जोन हमने बना रखे हैं इस टाइगर रिजर्व में, उन जोन्स में अलग अलग जोन्स में गाड़ियाँ जाएंगी और संभवतः अगर सब कुछ ठीक रहा तो इनको टाइगर के दर्शन भी होंगे। तो एक सफल और सुखद शुरुआत है और जैसा आशा करता हूँ कि ये सीजन टूरिस्ट के हिसाब से अच्छा जाएगा और सरिस्का टाइगर रिजर्व जो कि संख्या लगातार टाइगर की बढ़ रही है तो साइटिंग भी अच्छे होने के पूरे आसार हैं, पूरे चांस हैं, तो इसलिए जो टूरिस्ट हैं उनका उत्साह काफी देखने को मिल रहा है। गौरतलब है कि सरिस्का बाग परियोजना में टाइगर की संख्या बढ़कर 43 हो गई है, यहाँ पिछले 3 माह में करीब 11 बाघ बढ़े हैं, ऐसे में साइटिंग में आसानी होगी। सरिस्का बाग परियोजना जो अलवर की शान कह सकते हैं क्योंकि यहाँ देशी विदेशी पर्यटकों का तांता लगा रहता है, जिसमें 3 महीने बाद आज से फिर 1 अक्टूबर से सफारी प्रारंभ हो गई है, जहाँ आज उनका भव्य स्वागत किया गया था और जो जंगल में भ्रमण के लिए उन्हें आज से रवाना कर दिया, जो 3 जोन बनाए गए हैं और सभी ट्रैक आज से खोल दिए गए हैं। सरिस्का बाग परियोजना में 12 जिप्सिया और 8 टैंकरों द्वारा कैंटरों द्वारा यहाँ सफारी के लिए पर्यटकों को भेजा गया है। हम बता दें कि जो बरसात के समय में यहाँ पूर्णतः रोक लग जाती है 3 महीने के लिए, क्योंकि वन्य जीव जो प्रजनन और वनस्पति प्रजनन काल होता है ऐसे में रोक दिया जाता है, लेकिन इस बार जो ट्रैक है उनको पूरी तरह दुरुस्त कर दिया गया है और पर्यटक आसानी से घूम सकते हैं। मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा, ATL न्यूज अलवर। उधर नए वन कर्मियों को प्रशिक्षण के लिए मंगलवार को प्रताप ऑडिटोरियम में एक कैंप आरंभ हुआ। इस दौरान मुख्य अतिथि सरिस्का के फील्ड डायरेक्टर संग्राम सिंह रहे। वहीं ट्रेनिंग के दौरान वन कर्मी वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट और नर्सरी मैनेजमेंट आदि सहित कई पहलुओं पर जानकारी हासिल करेंगे। 90 दिन तक चलने वाले कैंप में वन कर्मियों को महत्वपूर्ण बातें बताई जाएंगी, जिससे भविष्य में वे बेहतर वन कर्मी के रूप में कार्य कर सके। देखिए, राजस्थान में जो हमारे नए वन कर्मी हैं जिनका अभी यहाँ प्रशिक्षण कार्यक्रम आज से प्रारंभ हुआ है, ये 90 दिन के यहाँ पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए आए हैं। तो यहाँ पर ये विभिन्न प्रकार के जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट की, नर्सरी मैनेजमेंट, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एक्ट की जानकारी और JFM की जानकारी, ये विभिन्न प्रकार की जो हमारी गतिविधियाँ होती हैं फॉरेस्ट में, उसको यहाँ पर सीखेंगे। यहाँ पर हमने जो व्यवस्था की है वो जो भी हमारे रिटायर्ड फॉरेस्ट के ऑफिसर्स हैं, जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, जो पुलिस के ऑफिसर्स हैं, वो अपने अपने जो क्षेत्र में जिन्होंने अपना बहुत अच्छा अनुभव प्राप्त किया है, हम उनको एक्सपीरियंस लोगों को यहाँ पे ला रहे हैं और उनसे इनको ट्रेनिंग दिला रहे हैं, जिससे क्या है कि इनको कम समय में 90 दिन का जो इनका समय है उसमें एक क्वालिटी और गुणवत्तापूर्ण ये ट्रेनिंग लेके जाएंगे और जब ये राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में जाके अपनी अपनी सेवाएँ देंगे तो एक बेहतर वनकर्मी के रूप में साबित होंगे। अलवर के 60वें रोड पर पहले एक युवक ने अपनी दादी पर हमला किया और उसके बाद फंदा लगाकर जान दे दी। मृतक विष्णु शर्मा की उम्र 22 वर्ष थी। यह घटना सोमवार रात करीब 9 बजे की है। जानकारी के अनुसार विष्णु का विवाह 4 माह पहले हुआ था और वह मंडी में मजदूरी करता है, साथ ही शराब का आदि भी है। इस युवक ने किसी बात को लेकर अपनी दादी पर बोर्ड फेंक कर मार दिया। उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना के 2 घंटे बाद आत्मग्लानी और डर की वजह से उसने शराब के नशे में फंदा लगाकर जान दे दी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम सामान चिकित्सालय में करवाया है। वो दादी की देगी थी भाई ने, तो टेंशन में आके उसने सोची कि कहीं मेरा नाम आ जाएगा, तो उसने फिर फांसी लगा दी। दादी पे क्या किया हमने? हाँ, किस चीज से? वो कुछ बोर्ड से किया था, मतलब बोर्ड फेंक कर मारा था जब दादी के गई थी माथे में। इनमें आपस में भाइयों में, बहनों में और इनकी दादी में तो पता ही नहीं, दारू पी के कर दिया होगा, कारण का तो कोई पता नहीं है किसी को भी। फिर उसके चोट फोट लग गई तो उसको ICU हॉस्पिटल में मित्तल में भर्ती करवा दिया। तो इस छोरे की बहू विष्णु की और बहन और वो छोटा भाई वो हॉस्पिटल में आ गए, वो तो वहाँ थे, ये अपने अंदर सोई गया। ये कितने बजे की बात है, करीब होगी 7-6-7 बजे की बात।
अलवर में रामलीलाओं का आयोजन आरंभ हो गया है। राजर्षि अभय समाज में सोमवार रात्रि रामलीला का शुभारंभ हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने उद्घाटन किया। अभय समाज अध्यक्ष पंडित धर्मेश शर्मा ने बताया कि 109 वर्ष से यह सिलसिला जारी है। उधर विशिष्ट अतिथि के रूप में विद्युत निगम के एसी सुधीर पांडे मौजूद रहे। रामलीला 13 अक्टूबर तक चलेगी। उधर अभय समाज रामलीला के श्री गणेश वंदना से विधिवत शुभारंभ के बाद पहले दिन सती मोह एवं दक्ष यज्ञ की लीला मंचित की गई। संस्था के महानिदेशक मनोज कुमार गोयल के अनुसार सभी कलाकारों ने अपने किरदार बखूबी निभाए। उधर व्यासपीठ से रामायण की चौपाइयां महेश चंद शर्मा द्वारा गाई जा रही हैं। निःशुल्क रामलीला प्रदर्शन के बाद प्रसाद वितरण भी किया जाता है। उधर 14 से 28 अक्टूबर तक महाराजा भर्तृहरि नाटक का मंचन किया जाएगा। 109वें वर्ष की रामलीला रामलीला मैदान में श्री राजर्षि अभय समाज के सदस्य कलाकारों और स्वयं सेवकों के सम्मिलित प्रयास से आरंभ हो रही है। आज गणेश वंदना है, नारद मोह है, रामायण महात्म्य, कुंभज ऋषि आश्रम, सती मोह और दक्ष यज्ञ की लीला आज होने वाली है। और वहीं अलवर के श्री रामलीला तांगा स्टैंड रंगमंच पर सोमवार रात बाल कलाकारों द्वारा गणेश वंदना और नारद मोह लीला के साथ रामलीला महोत्सव का शुभारंभ हो गया। इससे पूर्व मुख्य अतिथि वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने फीता काटा और दीप प्रज्वलन किया, जबकि अध्यक्षता नगर निगम महापौर घनश्याम गुर्जर द्वारा की गई। इस दौरान अति विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला पुरुषार्थी समिति के अध्यक्ष कुलदीप कालरा और संयुक्त व्यापार महासंघ के अध्यक्ष हरमेश सिंह मेहंदी रत्ता सहित विशिष्ट अतिथि दौलत राम हजरती आदि की मौजूदगी रही। समिति से जुड़े हितेश ठाकुर और अन्य पदाधिकारियों ने भी आयोजन की जानकारी दी। तांगा स्टैंड पर रामलीला का सिलसिला कई दशकों से जारी है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली द्वारा हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए प्रचार जारी है। इसी कड़ी में जूली ने कलायत में कांग्रेस प्रत्याशी विकास सहारण के लिए वोट की अपील की। उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता के हितों पर कुठाराघात करने वाली भाजपा को इस चुनाव में आईना दिखाया जाएगा। उधर राहुल गांधी द्वारा हरियाणा दौरे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता उत्साहित हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी गरीबों की जेब से तूफान की तरह पैसा निकालकर सुनामी की तरह अड़ाने की तिजोरी में डाल रहे हैं। राहुल ने कहा कि उनका लक्ष्य यह पैसा हिंदुस्तान के गरीबों, शोषितों और वंचितों को दिलवाने का है। गरीब लोगों के जेब में कितना पैसा जा रहा है और जेब में से कितना पैसा निकल रहा है, ये मेरा इक्वेशन है और इसको मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। जहां भी मुझे मौका मिला, जो इस देश को चलाते हैं, किसान, मजदूर, गरीब लोग खून पसीना देकर चलाते हैं, जहां भी मुझे दिखा उनके बैंक अकाउंट में पैसा डालूंगा। मोदी जी आपकी 24 घंटा रिस्पेक्ट करें, मगर 24 घंटा आपके जेब में से पैसा निकलता जाए तो समान हो सकता है मगर भूखे मर जाएंगे। तो समान की जगह है, मगर मेरे लिए उतना ही जरूरी सवाल कि हमारे गरीब लोगों के जेब में उनके बच्चों के शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, भविष्य के लिए बैंक अकाउंट में कितना पैसा है। सीधी सी बात, अदानी जी के बारे में सोचिए, हर सुबह 24 घंटा उनके बैंक अकाउंट में धड़ाधड़ पैसा आता है नॉन स्टॉप, मतलब जैसे सुनामी आती है ना, और जितना ही पैसा उनके बैंक अकाउंट में सुनामी जैसे घुस रहा है उतना ही पैसा आपके बैंक अकाउंट में से तूफान जैसे पैसा निकलता जा रहा है। और मेरा लक्ष्य, मैं बता रहा हूं आपको, याद रखो, जितना पैसा इन्होंने अदानी अंबानी को दिया है उतना पैसा मैं हिंदुस्तान के किसान, मजदूर, गरीब, दलित उनके जेब में डालने वाला हूं। एक ना एक तरीका निकाल कर MSP दिलवाकर, कर्जा माफ कर, मैं बता रहा हूं जितना नरेंद्र मोदी ने इनको दिया ना, आप देख लेना उतना पैसा हम कांग्रेस पार्टी में गरीबों को देने वाले हैं। सिंपल सी बात है, अगर आप उनको पैसा देते हो तो इनको देना ही पड़ेगा।
मेघवाल विकास समिति के पूर्व जिला अध्यक्ष निहाल सिंह मेघवाल ने मौजूदा पदाधिकारियों पर गड़बड़ी करने को लेकर शिवाजी पार्क थाने में मामला दर्ज करवाया है। निहाल सिंह के अनुसार यह पदाधिकारी उनके नाम से कूट रचित पत्र तैयार कर समिति की बैठक बुलाने एवं कार्य करने का निर्वाचन जैसे काम कर रहे हैं। उन्हें आशंका है कि वह कोई बड़ी अनियमितता भी कर सकते हैं। वहीं निहाल सिंह ने अपनी प्राथमिकी में कई अन्य मुद्दे भी उठाए हैं, साथ ही वर्तमान पदाधिकारियों के कार्यकाल की जाँच की मांग की है। प्रकरण ये आया कि मैंने अभी कुछ दिनों पहले सबरेस्टार सहकारी संस्था से समिति के कागजातों की नकल ली थी। उसमें मुझे ये ज्ञात हुआ कि इन तीनों ने मिलके दिनांक 6/3/2022 को एक फर्जी लेटर मेरे नाम से जारी किया, जिसमें 13/3 को इनको मीटिंग बुलाना वो किया, वो कूटरचित लेटर था। इसके अलावा इन्होंने एक 24/4/2022 को मेरे नाम से कूटरचित पत्र बनाया और उसमें मेरे फर्जी हस्ताक्षर किए, और 5/5/2022 को आम सभा बुलाना बुलाया। 5/5/22 को नाम वापसी का दिन था, उस दिन कोई आम सभा नहीं हुई थी, फिर भी इन्होंने कूटरचित आम सभा बुलाई और आम सभा बुला के उसमें कार्यकारिणी का गठन किया। इसमें एक चुनाव अधिकारी ज्ञान सिंह नैनावत था, उसका भी सहयोग रहा, उसने चुनाव अधिकारी की हैसियत से दस्तखत किए। कार्यकारिणी में भी इन्होंने जो एफिडेविट दिया सब रजिस्ट्रार के यहाँ, उसमें केवल इन्होंने मेघवाल विकास समिति 61 सदस्य बताए, जबकि उस समय 13,244 सदस्य थे और कोरम के लिए 1/3 होना चाहिए, आम सभा के लिए ऐसा कोई कोरम नहीं था। इन्होंने फर्जी कार्यकारिणी बना के और फर्जी एफिडेविट देके 100 रुपये पे और उस कार्यकारिणी का अपना वो करवा लिया, वहाँ फाइल करवा ली। मेरा उद्देश्य यही था कि इन्होंने मेरे नाम के फर्जी हस्ताक्षर क्यों किए और क्यों फर्जी लेटर बनाया, क्यों फर्जी कार्रवाई की और क्यों फर्जी एफिडेविट दिया। ऐसे लोगों कल तो ये मेरे नाम के फर्जी हस्ताक्षर करके मेरे नाम से कुछ भी कार्रवाई कर देगा। जिला जाट महासभा समिति के अध्यक्ष शेर सिंह ने मांग की है कि राज्य और केंद्र सरकार बाजरे की समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए केंद्र स्थापित करे, ऐसे में किसान उचित दाम पर अपने बाजरे को बेच सकेंगे। उन्होंने बताया कि मंडी में बाजरा 2000 से लेकर 2400 प्रति क्विंटल के भाव से बिक रहा है, जबकि सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य 2600 रुपये से अधिक रखा हुआ है। सर, बाजरे की इस बार अच्छी पैदा हुई है और किसान लगातार बाजरे की फसल को बेचने के लिए मंडी में पहुंच रहे हैं और 2000-2400 के बीच में बिक रहा है, लेकिन समर्थन मूल्य है वो 2600 कुछ रुपये है और सरकार ने अभी खरीद शुरू नहीं की है, खरीद केंद्र नहीं खोले हैं, जिससे किसान मंडी में अपनी कम दाम पर बाजरे की फसल को बेचने के लिए मजबूर हैं। अब आप समाज के अध्यक्ष हैं, किसान नेता भी हैं, किसान संगठनों से भी जुड़े हैं, सहकारिता क्षेत्र से भी जुड़े हैं, किसान को नुकसान हो रहा है, क्या कहना चाहिए इस बारे में? मेरा ये विचार है कि ये देश किसानों का देश है, पूरे देश का पेट किसान भरता है और ये बाजरा है जो इस समय सर्दियों का आम आदमी का भोजन है, पशुओं को इस कड़वी की चारा मिल जाता है। लेकिन कितने दुख की बात है कि डबल इंजन की सरकार होते अलवर जिले में बाजरा खरीद किसान केंद्र एक भी जगह नहीं है और समर्थन मूल्य जो केंद्र सरकार ने 2600 रुपये कर रखा है, आज मजबूरन आप तो 2400 की कह रहे हो, 2200 रुपये में बनी किसानों को लूटे, ये कितने किसान के साथ अन्याय है। इस बारे में अगर जिला प्रशासन ने भी कोई प्रयास नहीं किए तो हम कृषि उपज मंडी में धरना भी दे सकते हैं, आंदोलन भी कर सकते हैं। इसलिए मैं तो कलेक्टर साहब से और यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ, या तो किसान केंद्र खोले जाएं बाजरा के लिए, नहीं तो आंदोलन होगा, ये किसानों के साथ अन्याय है। तो राजस्थान है जो सबसे ज़्यादा बाजरा उत्पादन करता है और यहाँ केंद्र राज्य में दोनों भाजपा की सरकार है, तो राजस्थान मुख्य फसल है इस मौसम की किसान की, तो पूरे प्रदेश में अब तक तो किसान खरीद केंद्र खुल जाने चाहिए थे, आपको लगता है सरकार कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही कर? बहुत बड़ी लापरवाही है। उधर जोधपुर जैसलमेर बाड़मेर और नागौर तक में बाजरी होती है उसके लिए भी, और यहाँ अलवर भरतपुर में बाजरे की मुख्य फसल है, ये फसल जो होती है उसमें कितनी शर्म की बात है कि बाजरे की खरीद केंद्र गाँव में पंचायत स्तर पर से खरीद करे, जबकि किसान बेचारा यहाँ किराए का वो भर के लेके आता है और उसको 2200 रुपये मिलता है, सरकार ने दिखाओ के लिए 2600 रुपये कुंटल कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 10 कुंटल भी बाजरा
कृषि मंडी में किसानों का इस समय आज के दिन की बात बता रहे हो नहीं खरीदा जा रहा है, ये सरकार के लिए बहुत शर्म की बात है। सर कृषि मंत्री चाहे भारत सरकार का हो चाहे राजस्थान सरकार का हो, आपको लगता है कहेंगे लापरवाही कर रहे किसानों के प्रति, उपेक्षित कर रहे हैं किसानों के प्रति? सबसे ज्यादा लापरवाही तो मैं राजस्थान के कृषि मंत्री को मानता हूँ कि उसने इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, और नहीं तो उसको लगभग कम से कम 15 जिलों में तो किसान केंद्र जहाँ ये मुख्य फसल है खोलने चाहिए थे, लेकिन एक भी जिले में आज किसान के बाजरे का खरीद के लिए नहीं खोला, ये बहुत शर्म की बात है सरकार के लिए, इसको सरकार का वो भुगतना पड़ेगा आगे आने वाले चुनाव में। सर केंद्रीय कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उनको भी ध्यान देना चाहिए था, और इसमें किसी किसान नेता को ही कृषि मंत्री बनाया जाना चाहिए था। सवाल शिवराज सिंह चौहान का नहीं, वो कृषि मंत्री राजस्थान भारत सरकार है, लेकिन राजस्थान के जो जनप्रतिनिधि दिल्ली में बैठे उनको भी तो सोचा, अर्जुन राम मेघवाल है और मंत्री है कोई, तो उसको भी तो ये सोचना चाहिए कि राजस्थान में जो मुख्य फसल बाजरे की होती है 15 जिलों में, तो कम से कम वहाँ तो, और नहीं तो अरे वीडियो से प्रधान स्तर पर तहसील स्तर पर तो खोल दे, कम से कम विधानसभा स्तर पर तो खोल दे। आज आज यहाँ लेके आता है, आज 50 किलोमीटर दूर से किसान फसल बाजरे की यहाँ लेकर आ रहा है, उसका किराया भी उसे वसूल नहीं होता, 2200 रुपये कुंटल में क्या है, 2000 बने मनमर्जी से उसका खरीदें और ये बाद में उसको बेचेंगे, सर्दियाँ जैसे शुरू होंगी बेचेंगे 3000 रुपये कुंटल 5000 रुपये कुंटल, ये कितनी शर्म की बात, किसान के साथ कितना धोखा है। तो सरकार जानबूझकर ये कर रही है, सरकार जानबूझकर कर रही है या अनजाने में कर रही है, लेकिन है ये सरकार की बहुत बड़ी गलती, इसका हर्जाना किसान भरेगा जब, लेकिन चुनाव आएंगे जब इनको दिन में तारे दिखाएगा। मित्तल हॉस्पिटल और RDNC मित्तल फाउंडेशन सहित नगर निगम टीम द्वारा सफाई अभियान चलाया गया। यह अभियान अलवर की सुभाष नगर कॉलोनी में खंडेलवाल स्कूल के पीछे चला। अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर बीना महावर के निर्देशानुसार नगर निगम के प्रतिनिधि अंकुर अवस्थी की देखरेख में यह सिलसिला चला। अवस्थी ने बताया कि समाज सेवी डॉक्टर SC मित्तल से बातचीत के दौरान पता चला था कि मित्तल हॉस्पिटल के पीछे कई लोग मृत जानवर डाल देते हैं, साथ ही खाली पड़े प्लॉट्स में निर्वृत भी होते हैं। ऐसे में ADM सिटी को अवगत कराने के बाद सुभाष नगर कॉलोनी का सर्वे कर युद्ध कर स्तर पर सफाई करवाई गई। यहां 2 CCTV कैमरे लगवाए जा चुके हैं और बड़ी हेलोजन लाइट लगवाकर मृत पशु एवं कचरा फेंकने वालों की पहचान कर जुर्माना किया जाएगा। उधर खंडेलवाल स्कूल विकास समिति के अध्यक्ष डॉक्टर योगेश बड़ाए ने भी स्कूल के पीछे की तरफ 3 CCTV कैमरे एवं 2 बड़ी हेलोजन लाइट जल्द लगवाने का आश्वासन दिया है। बाद में ADM सिटी बीना महावर को पौधा भेंट किया गया। सफाई अभियान में डॉक्टर सुधीर गुप्ता, डॉक्टर कुमुद गुप्ता, गिरीश गुप्ता, सुभाष नगर वेलफेयर सोसाइटी अध्यक्ष नेवी चंद खंडेलवाल और सचिव ओम प्रकाश डगैच आदि ने भी अपने भाग लिया। 7 बजे से स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत सुभाष नगर विकास समिति, मित्तल हॉस्पिटल, मित्तल फाउंडेशन, जिला प्रशासन और नगर निगम सब ने मिलकर के सुभाष नगर जो कॉलोनी है उसके मोड़ से लेकर और पूरी सुभाष नगर कॉलोनी का दौरा किया और स्वच्छता अभियान चलाया, जिसमें बहुत सारी जो झाड़ियाँ थी उनको हटाया, फावड़ों से सफाई की और शमशान से लेकर के और पूरी कॉलोनी में जहाँ जहाँ गंदगी पड़ी है उनका सबको ढेरों को हटाया, नगर निगम कर्मचारियों ने भी साथ दिया, उसमें हमारे अंकुर अवस्थी जी जो वहाँ के सेक्टर सुपरवाइजर हैं उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा। आज खुशी की बात है कि ADM सिटी मैडम आई और करीब 1 घंटे पूरी कॉलोनी का दौरा किया और जहाँ जहाँ डस्टबिन नहीं थे उनको, जो फल वाले थे जूस वाले थे उनको निर्देशित किया, जिन लोगों ने अनधिकृत कब्जे कर रखे थे सड़क के ऊपर उनको भी पीछे हटाने के लिए निर्देशित किया और आगे के लिए चेतावनी दी, जहाँ गोबर पड़ा हुआ था, जहाँ लोग पशु बांधते थे उनको भी चेतावनी दी। ADM सिटी खुद पूरे हमारी कॉलोनी के सभी जो अध्यक्ष हैं नेमी चंद जी और सचिव ओम प्रकाश जी और जो खंडेलवाल स्कूल के जो अध्यक्ष हैं योगेश बड़ाया जी, हमारा पूरा स्टाफ, हमारे फाउंडेशन के गिरीश गुप्ता जी, हमारे डॉक्टर्स डॉक्टर सुधीर कुमार जी।
श्री अग्रसेन जयंती समारोह के उपलक्ष्य में अग्रवाल महासभा द्वारा 5 दिवसीय कार्यक्रम जारी है। मंगलवार को अलवर के स्कीम 1 स्थित श्री अग्रसेन धर्मार्थ चिकित्सालय में चिकित्सा शिविर लगाया गया। महासभा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद्मचंद अग्रवाल और मोहन स्वरूप अग्रवाल ने बताया कि कैंप में ब्लड प्रेशर, शुगर, CBC और ECG की जांच निःशुल्क की गई। साथ ही डॉक्टर मोहनलाल सिंधी और डॉक्टर निमिषा जैन ने मरीजों को निःशुल्क परामर्श भी दिया। आज श्री अग्रसेन चिकित्सालय में जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आज हमारे यहाँ पे BP, शुगर, CBC और ECG की निःशुल्क जांचें की जा रही हैं। इससे हमारे काफी मरीज लाभान्वित होंगे और उनको बहुत फायदा मिलेगा। करीब कितने मरीजों करीब हमने 125 मरीजों का लक्ष्य निर्धारित किया है। अभी तक हमारे कम से कम 20-25 मरीज जो है वो जाँच करवा के जा चुके हैं। कौन कौन से डॉक्टर? श्रीमती बर्फी देवी चैरिटेबल ट्रस्ट 95 आर्यनगर में एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया जा रहा है समाज की तरफ से, जिसमें सुबह 9 बजे कैंप प्रारंभ हो गया है और ये 1 बजे तक चलेगा। इसमें विभिन्न प्रकार के रोगों की मुफ्त में जांच की जाती है तथा बाहर के काफी डॉक्टर आए हैं और बहुत से लोग इसको लाभान्वित होंगे। अलवर के राजेशी कॉलेज के पास पुराना गैरेज परिसर में रेट स्नेक का रेस्क्यू किया गया है। इसके लिए टीम जा पहुंची। करीब 6 फीट लंबा यह सांप पत्थरों में छुपा हुआ था। इससे पहले शहर के कॉलोनी से कोबरा और बोया सांप को भी रेस्क्यू किया गया। WURC टीम के प्रतिनिधि विवेक जायसवाल के अनुसार राजेशी कॉलेज में सांप होने की सूचना मिली थी। इसके बाद टीम मौके पर पहुंची। तीनों सांपों को जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया है। यह टीम इस साल करीब 1000 सांपों का रेस्क्यू कर चुकी है। अलवर शहर में लोहिया पहाड़ी स्थित गवर्नमेंट शॉप पर काम करने वाला कर्मचारी ही चोर निकला। दुकान मालिक ने अपने ही कर्मचारी पर शक जताया था। इसके बाद पुलिस ने उसके घर से गवर्नमेंट्स जब्त किए हैं। कोतवाली पुलिस के अनुसार मुल्तान नगर निवासी सागर कथोरिया ने 19 सितंबर को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इसमें बताया गया था कि उसकी दुकान पर काम करने वाला करोली कुंड निवासी नवीन गोदाम का माल बीच ही खुर्दबुद कर देता था। इसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी नवीन के घर से अंडरगार्मेंट्स के कई बॉक्स जब्त किए हैं और उसे गिरफ्तार कर लिया है। मुकदमा मुस्तगी सागर कथुरिया ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी 19 तारीख को कि मेरा नौकर मेरी दुकान पर काम करता है और मेरा गोदाम है मे बोर्डिंग के पास पीछे है गोदाम नंबर 163। तो वहाँ से ये सामान लाता है दुकान पर, तो दुकान पर पूरा सामान नहीं लाता है, इधर उधर चोरी कर लेता। तो कल 30 तारीख को उपस्थित आया मुलजिम स्वयं और उससे पूछताछ की गई तो उसको जुर्म प्रमाणित पाए जाने पर उसको गिरफ्तार कर लिया। फिर इत्तला पर उसके घर से सामान बरामद कर। अलवर के ट्रांसपोर्ट नगर में ट्रैक्टर ट्रोली की वायरिंग करते समय इलेक्ट्रिशियन की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार राजगढ़ के बल्लूपुरा निवासी 48 वर्षीय हरिप्रसाद ट्रांसपोर्ट नगर में ट्रैक्टर ट्रोली की वायरिंग करने गया हुआ था। इसी दौरान जैक हटने से ट्रोली हरिप्रसाद के ऊपर आ गिरी। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। सूचना मिली थी कि हरिप्रसाद किशोरीलाल ट्रांसपोर्ट नगर में ट्रोली का कार्य कर रहा था, पड़ोस में बराबर में दूसरी ट्रोली का काम चल रहा था जिसमें गिरिराज ट्रोली बता रहे हैं ट्रोली का कंपनी मालिक है, जिसने कोई जैक चढ़ाते उतावलेपन से ट्रोली को लापरवाही से उसके ऊपर गिर गई। हरिप्रसाद के ऊपर जिससे आसपास चोटिल हो गया तो दो घायल होने से उसकी मृत्यु हो गई। मॉडुलस एकेडमी की 2 छात्राओं का चयन मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली में हुआ है। इनमें डॉक्टर निमिषा तथा डॉक्टर शानू शामिल हैं। गौरतलब है कि अलवर कलेक्टर आरतिका शुक्ला भी MBBS की पढ़ाई इसी कॉलेज से कर चुकी हैं। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के लिए चयनित इन छात्राओं ने अलवर जिला कलेक्टर से मुलाकात भी की। समाचार में वक्त हो चला एक छोटे से अल्प विराम का, आप बने रहिए ATL TV के साथ। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो?
अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा, कॉल करें और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। हीरे सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 01442338653 एंड 233-8663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहां आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड जसवंत राय से पहले कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। वेद शास्त्र, उपनिषद पुराण, ज्ञान के भंडार अनुपम। अज्ञान अविद्या भरे जीवन में अमृत के हैं समान। गीता का, भागवत का, रामायण का, दर्शन, उपनिषद, वेद आदि का जो ज्ञान है वो हमारे जीवन के मुख्य रूप में अमृत की तरह काम करता है। गिरे हुए जीवन में वैसाखी का काम करता है। अज्ञान अविद्या भरे जीवन में अमृत का सूरज की तरह काम करता है। परम पूज्य श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी श्री इंद्रदेव जी सरस्वती महाराज के श्री मुख से बंधन रिजॉर्ट बाग वाले हनुमान जी निकट मोती डूंगरी अलवर राजस्थान से श्राद्ध पक्ष निमित्त श्रीमद् भागवत कथा का 26 सितंबर 2024 से 2 अक्टूबर 2024 तक प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से सीधा प्रसारण देखिए संस्कार और एटीएल पर। आयोजक घनश्याम गुप्ता, रचना गुप्ता, देवेश डॉक्टर भाग्यश्री गुप्ता, पुनीत गुप्ता, गुप्ता मार्बल हाउस और श्री कृष्ण डेंटल क्लिनिक। संयोजक कृष्ण अवतार गुप्ता, सपना गुप्ता, मदन लाल और मंजू शर्मा। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। जैसमंद बांध से सिंचाई के लिए बनाई गई पक्की नहर पर अतिक्रमण व्याप्त है, साथ ही अनुपयोगी घास पसर रही है। ऐसे में यह नहर बर्बाद और क्षतिग्रस्त हो रही है, लेकिन जल संसाधन विभाग इसके रखरखाव को लेकर उदासीन बना हुआ है। बल्लाना, केसरपुर, दादर, मदनपुरी, सालपुरी और गुजुकी आदि गाँव तक बनी हुई पक्की नहर के बीच में कटीली बबूल खड़ी हुई है, साथ ही कई जगह लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। ग्राम बुर्जा में स्वच्छ भारत मिशन के तहत आयुष्मान आरोग्य मंदिर और मोक्ष धाम की सफाई का दौर चला। इस दौरान मोक्ष धाम सेवा समिति के सदस्य राहुल गुप्ता, लाल गुप्ता, राजू जांगड़, मोहन जांगड़, कन्हैया साहू, महेंद्र कुमार और हितेश रावत मौजूद रहे। वहीं सरपंच सुमन बने सिंह सहित भारती शर्मा ने बताया कि 2 अक्टूबर को सभी धार्मिक स्थलों पर सफाई का विशेष कार्यक्रम किया जाएगा। आज स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आयुष्मान आरोग्य मंदिर के आसपास अंदर सफाई करवाई गई। सभी को यह मैसेज देना चाहते हैं कि अपने आसपास सफाई रखें, स्वच्छ वातावरण रखें, जिससे होने वाली बीमारियों से बचा जा सके। आज ग्राम पूजा दादर पंचायत के अंतर्गत स्वच्छता मिशन के अंतर्गत
मोक्ष धाम सेवा समिति के अंदर सफाई की गई। इसके अंदर राहुल खंडेलवाल, लाला गुप्ता, अन्नू वाल्मीकि आदि ने भाग लिया। और कल 2 अक्टूबर के दिन महात्मा गांधी के जन्मदिन के पर सभी को तंबाकू निषेध के ऊपर शपथ भी देंगे और सफाई कल के अंतर्गत पूरे गांव की सफाई का कार्यक्रम कल और किया जाएगा। माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय मीडिया विंग की ओर से आयोजित राष्ट्रीय मीडिया कार्यशाला में अलवर से भी अनेक प्रतिनिधि पहुंचे। इस 5 दिवसीय वर्कशॉप का समापन हो गया है। इसमें सकारात्मक सोच के साथ समाचार संकलन और आध्यात्मिकता को शामिल करने का संकल्प लिया गया। कुल मिलाकर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से जुड़े 1000 से अधिक प्रतिनिधियों की भागीदारी रही। वक्ताओं ने जाति पाति और भेदभाव को भुलाकर सामाजिक समरसता पर जोर दिया। ब्रह्मा कुमारी श्रुति ने बताया कि मीडिया ही समाज, परिवार और राष्ट्र में परिवर्तन लाकर सही मार्ग प्रशस्त कर सकता है। मानते हैं कि मीडिया एक ऐसी सेवा है जिसमें समाज को हम दर्पण दिखाते हैं। समाज को कई बार दर्पण दिखाते दिखाते उस दर्पण में दाग स्वयं के ऊपर लगने लग जाते हैं, अर्थात इतने तनाव के माहौल के अंदर हम रहते हैं। तो हम पूरे देश से मीडिया डेलीगेट्स को यह इनवाइट करते हैं, पहाड़ों के अंदर, इस सुंदर वादियों के अंदर उन्हें भगवान को ध्यान करना सिखाते हैं, उन्हें तपस्या के द्वारा, भगवान के ध्यान के द्वारा उन्हें योग युक्त स्थिति तक पहुँचाते हैं, ताकि वो पूरे साल भर के लिए शक्तियाँ यहाँ से भर के जाएँ और शांति के साथ में, धैर्यता के साथ में, प्यार पूर्वक समाज को एक सही दिशा दे सके, इसलिए हम उन्हें यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। महाराष्ट्र जहाँ के संतरा पूरे देश में जाते हैं और एक मिठास लिए हुए होता है, उसी प्रकार से वहाँ के जादू की मिठास लेकर प्रशांत जी मौजूद रहे और सभी भाई बहनों का इन्होंने एक मैजिक दिखाकर एक प्रकार से मनोरंजन किया, लेकिन एक अद्भुत दुनिया में वो लेकर गए। हम प्रशांत जी से जानना चाहते हैं कि आपने किस प्रकार से यह कर्तव्य दिखाए और आमजन को लालायित किया। देखो, जादू कला तो एक कला है, उससे कंदरम दुख होता नहीं, और कला बस बाबा जी ने करवाया, मैंने कुछ नहीं किया। और खुशी इस बात की सब लोग मेरे जादू से, मैंने मैजिक शो से खुश हो गए, और बस ऐसे मैं लोगों को खुश करता रहूँ, इसके पीछे मेरा यही उद्देश्य। देखिए, एक मानवता की मिसाल इंसानियत की कायनात होती है, और इन्होंने बताया जनता खुश रहे, सामने वाला ऑडियंस खुश रहे, ऐसी इनकी भावना है और बाबा की कृपा है जो सभी पर बनी रहे। मैं उदेश सिंह माउंट आबू पांडव भवन से। उमरेण ब्लॉक में शिक्षा विभाग द्वारा 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती पर निपुण मेले का आयोजन किया जाएगा। इनमें कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थी भाग ले सकेंगे। साथ ही स्कूलों में पोस्टर निर्माण, मिट्टी के खिलौने बनाने, कागज के फूल और चार्ट सहित मॉडल निर्माण आदि की प्रतियोगिताएं होंगी। प्रत्येक पीओ और यूसीओ परिक्षेत्र के समस्त विद्यालयों के कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थी इस निपुण मेले में भाग लेंगे। निपुण मेला 2024-25 का आयोजन कल 2 अक्टूबर को सभी विद्यालयों में किया जाएगा। इसमें विद्यार्थियों के बहुमुखी विकास में किससे संबंधित प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा, जिसमें पोस्टर निर्माण है, चार्ट निर्माण है, मिट्टी के खिलौने हैं, कागज के चित्र तैयार करना है। कुल मिलाकर के इस गतिविधियों में बच्चों के फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमेरेसी पर ध्यान दिया जाएगा कि बच्चों में बहुमुखी प्रतिभा का विकास हो सके। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत उमरेण ग्राम पंचायत में किसानों को फसलों की पॉलिसी के बारे में बताया गया। ऐसे में किसानों को रबी एवं खरीफ की फसल में पॉलिसी से फायदा मिल सकेगा। इंश्योरेंस प्रतिनिधि यश चौधरी ने बताया कि फसलों के प्रीमियम एवं पॉलिसी से होने वाले लाभों आदि के बारे में जानकारी प्रदान की गई है। किसान पॉलिसी कराता है, यानी फसल बीमा कराता है, उसकी पॉलिसी जिसमें यानी किसान कौन सी फसल बो रखी है, किसानों ने कितने ईयर में कितनी फसल, कितने ईयर में कौन सी फसल बो रखी है, और इसमें कितना प्रीमियम कटता है और नुकसान पे कितनी मुआवजा मिलता है, वो सब कुछ अपनी पॉलिसी में रहता है। और इसमें यानी किसानों को हर तरह से फायदा रहता है, और पॉलिसी जो है किसान अपने यानी कि मोबाइल पे भी उनके मैसेज चला जाता है, और यहाँ बैंक से भी निकाल सकते हैं, और वैसे हम हार्ड कॉपी किसान के वो यानी हर तहसील में और हर प्रकार मंडल में दे रहे हैं।
पांडुपोल जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए सिलीबेरी बालेटा होकर जाने वाला गेट खोला नहीं जा रहा है। मंगलवार को पांडुपोल हनुमान जी के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ रहती है। भक्त सरिस्का सदर गेट और बालेटा सिलीबेरी होकर भी जाते हैं, लेकिन काफी दिनों से बालेटा का गेट नहीं खोलने पर पांडुपोल जाने वाले श्रद्धालुओं को सरिस्का सदर गेट से जाना पड़ता है। श्रद्धालु गोविंद जोशी का कहना है कि वन विभाग को सिलीबेरी गेट अब खोल देना चाहिए। बारिश के दिनों में यह गेट बंद किया गया था। पांडुपोल हनुमान जी महाराज जी का जो रास्ता है बालेटा वाला सिलीबेरी होके जो जा रहे हैं हम पांडुपोल हनुमान जी महाराज के, वो रास्ता 2 महीने से अधिक समय से बंद पड़ा है। जबकि बारिश का मौसम चल रहा था, नदी नाले आ रहे थे, लेकिन वो रास्ता अब बारिश के कारण टूट चुका है। बारिश भी बंद हो चुकी है, उसके बावजूद भी वन विभाग उस रास्ते को चालू नहीं कर रहा है। और इन लोगों की जो मनसा है वो ये है कि ये रास्ता बिल्कुल बंद किया जाए, लेकिन हम ये ऐसा नहीं होने देंगे। ये रास्ता है जो प्राचीन समय से चला आ रहा है और यात्री लोग जाते हैं। वन विभाग को कई बार अवगत कराने के बाद भी रास्ता सही नहीं हो रहा है, गहरे गहरे खड्डे उस रास्ते से हुए पड़े हैं और यहाँ का वन विभाग बिल्कुल मतलब ध्यान नहीं दे रहा है। जान पूछ कर ये रास्ता बंद करना चाह रहा है और यहाँ के जो वन मंत्री हैं उनसे भी हम निवेदन करना चाहते हैं कि आप तुरंत इस पर संज्ञान लें और इस रास्ते को तुरंत प्रवाह से चालू करवाएं। जैसा कि आज 1 अक्टूबर है, ये लोगों ने जो 1 अक्टूबर को सफारी जोन जो चालू किया है वो इनकम की वजह से चालू किया है, क्योंकि आज इनकम होगी ना, 1 तारीख से इनकम होना चालू हो गई है, तो इनकम के लिए तो इन्होंने चालू कर दिया। जबकि ये रास्ता ही चालू नहीं करवा रहे क्योंकि इनकम नहीं हो रही है इनको, तो इनकम नहीं होगी तो चालू नहीं करवा पा रहे। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर थानागाजी में कार्यक्रम आयोजित हुआ। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अमीलाल यादव द्वारा शतायु मतदाताओं को सम्मान पत्र भेंट कर माल्यार्पण किया गया। समारोह में महादेवी और कल्याण सहाय का अभिनंदन हुआ। इस अवसर पर तहसीलदार मोहित पंचोली, निर्वाचन शाखा से प्रहलाद यादव, ब्रजमोहन मीणा और उपखंड कार्यालय से निर्मला शर्मा, चेतन शर्मा, सोनू मीणा सहित BLO उपस्थित रहे। ये दर्शाता है कि हमारा लोकतंत्र कितना मजबूत है। शतायु वर्ष जो क्रॉस कर चुके हैं उनको आज उसी के लिए सम्मानित किया जा रहा है कि इतने सालों से वो हमारे डेमोक्रेसी में हिस्सा ले रहे हैं और हम दुआ करते हैं कि वो और भी लंबे समय तक। थानागाजी तहसील के अंदर गोपालपुरा गांव में अतिक्रमण कायम है। यहां स्कूल के खेल मैदान और गोचर भूमि पर प्रभावशाली ग्रामीणों ने दीवार बना दी है। इस वजह से ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। शिकायत के बाद जिला कलेक्टर ने तहसीलदार मोहित पंचोली को 3 दिन में अतिक्रमण हटाकर रिपोर्ट के निर्देश दिए थे। उधर तहसीलदार ने बताया कि अतिक्रमण करने वालों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। गोपालपुरा में गोचर भूमि है और स्कूल खेल मैदान, वो अतिक्रमण हटाने के लिए जिलाधिकारी ने आदेशित किया था, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार वहाँ पर जनसुनवाई में प्राप्त परिवाद के अनुसार हम लोगों के पास ये सूचना मिली, जिससे हमने वर्तमान में 91 की कार्रवाई प्रक्रियाधीन कर दी गई है, जो उसमें पूर्व में भी FIR दर्ज हो चुकी है और वर्तमान में उसकी कार्रवाई 91 की कार्रवाई कोर्ट में विचार। किशनगढ़ वास में 35वीं क्षेत्रीय खेलकूद प्रतियोगिता का आगाज हो गया है। आयोजन से जुड़े पवन मिश्रा ने बताया कि कार्यक्रम में नगर पालिका चेयरमैन तारामणि सिंघल ने अध्यक्षता की, जबकि मुख्य वक्ता क्षेत्रीय सह संगठन मंत्री गोविंद कुमार, विशिष्ट अतिथि व्यापार महासंघ किशनगढ़ बास के अध्यक्ष परमानंद लख्याणी और भाजपा जिला मंत्री आशा गुप्ता रहे। आरंभ में माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन किया गया। आदर्श शिक्षा समिति अलवर के जिला सचिव सतीश शर्मा ने अतिथियों का परिचय दिया। वही मुख्य वक्ता ने खेल भावना से खेलने का आह्वान किया। इस अवसर पर समिति संरक्षक हरमेश खुराना, व्यवस्थापक अनिल खुराना, उपाध्यक्ष अमर सिंह नरुका, कोषाध्यक्ष सुरेश अग्रवाल, कुंजीलाल अग्रवाल और हेमंत भारती आदि मौजूद रहे। जिला सचिवालय खैरतल में मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया। समारोह के दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट ने 40 वृद्धों को सम्मानित किया, साथ ही 8 वृद्धों को पेंशन प्रमाण पत्र भी प्रदान किए। इस दौरान समाज कल्याण अधिकारी महेंद्र कुमार, श्री श्याम चैरिटेबल ट्रस्ट के विनोद शर्मा और सियाराम गुर्जर सहित भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम के प्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम का आयोजन श्री श्याम चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा किया गया। किशनगढ़ बास SDM मनीष कुमार जाटव ने खैरतल के सैटेलाइट अस्पताल का मंगलवार को निरीक्षण किया। SDM ने लैबो, भर्ती वार्ड, लेबर रूम और आउटडोर सहित साफ सफाई का निरीक्षण किया। इसके अलावा भर्ती मरीजों से फीडबैक भी लिया। इसके अलावा हाजिर रजिस्टर का भी जायजा लिया।
खैरतल मंडी बाईपास के समीप भवन निर्माण के दौरान नीचे गिरकर 45 वर्षीय श्रमिक राकेश की जान चली गई। वह लाल पहाड़ी गांव का निवासी था। श्रमिक को तुरंत अलवर ले जाया गया, लेकिन उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने खैरतल के सैटेलाइट अस्पताल में मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाया है। भिवाड़ी में पत्रकार मुकेश शर्मा पर हमले का मामला सामने आया है। इसके पीछे फर्जी नंबर प्लेट और अवधि पार हो चुके मोटरसाइकिल का रिक्शा बनाकर चलाने वाले लोग शामिल हैं। उन्होंने रास्ते में रोककर क्राइम रिपोर्टर मुकेश शर्मा पर प्राण घातक हमला कर दिया। इसके चलते उन्हें गंभीर चोट आई है। इसके अलावा बीच बचाव करने आई शर्मा की पत्नी को भी जख्मी कर दिया गया। इस पत्रकार ने अवैध रिक्शा चालकों के खिलाफ मुद्दा उठाया था। हमलावर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और भिवाड़ी में फिलहाल किराए के मकान में रहते हैं। वहीं पीड़ित ने रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अस्पताल में मेडिकल परीक्षण करवाने के साथ ही हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। अभी कुछ दिन पहले मैंने परिवहन विभाग के और चोरी का जो रिक्शा है उसमें जुड़वा के चोरी की मोटरसाइकिल को काम पे ले रहे हैं उसकी आवाज़ उठाई थी, उसकी खबर भी लगाई थी मैंने चैनल पर, अपने चैनल पर। तो इसी बात को लेके अभी कुछ दिन तीन रोज पहले मैं अपनी अम्मा, मेरी बीमार थी, उसको दवाई दिवाने के लिए भिवाड़ी मोड़ पे जा रहा था तो मेरे को पीछे से पकड़ा है दो तीन आदमियों ने और पीछे से वार किया है। मेरे यहाँ चोट आई है गर्दन पे और यहाँ पसली पे। मेरी जो मिसिज को पता लगा उसको छुटवाने के लिए बीच बिचाव करने के लिए गई तो उसको रोड पर देख के मारा है और पैर में चोट आई है यहाँ और ये यहाँ खराब हो गई है, उसकी डैमेज हो चुकी है। हाँ, डॉक्टर ने बताया इसके लेंस डलेगा। तो हम जा रहे थे डॉक्टर के अपनी सास को दिखाने के लिए और मेरे आदमी के रास्ता में चिपट गए, हाथ हथवाई करी और उसको मारा। तीन चार आदमी थे और मैं छुटाने के लिए गई तो मेरे मारा और मेरी पैर में लग गई और आँख खराब हो गई है, आँख में मारा और फिर डॉक्टर मायना करवाए, रिपोर्ट करवाई तो कोई सुनाई नहीं हो रही। भिवाड़ी के खिजूरी बासे से परमधाम वृद्ध आश्रम में वृद्ध जन दिवस मनाया गया। आश्रम के संचालक एवं राष्ट्रीय अजर सेवा संस्थान के अध्यक्ष संजय कालरा ने बताया कि इस दिन वरिष्ठ नागरिकों के प्रति सम्मान प्रदर्शित किया जाता है। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में भिवाड़ी पुलिस के DSP मुकेश चौधरी, विशिष्ट अतिथि पूर्व BMA अध्यक्ष ब्रज मोहन मित्तल, पंजाबी सभा समिति के अध्यक्ष संजय लांबा और गोविंद चांदना मौजूद रहे। डंपरों से उड़ती धूल मिट्टी से परेशान लोग नौगांव में 7 दिन से धरना दे रहे हैं। वहीं पंचायत समिति सदस्य सुनील गड़ाई ने बताया कि रामगढ़ उप प्रधान अतर सैनी की दोबारा तबीयत खराब होने पर उन्हें CSC में ड्रिप चढ़ाकर प्राथमिक उपचार दिया गया। सैनी भी धरने पर बैठे थे। उधर डॉक्टर सुनील गुप्ता ने बताया कि धूल मिट्टी और गर्मी के कारण उप प्रधान की तबीयत खराब हो गई थी। SDM मैडम के आदेश अनुसार घटना स्थल पर बैठे हुए व्यक्तियों को स्वास्थ्य परीक्षण के कल आदेश प्राप्त हुए थे। उसी के तहत अभी मैं घटना स्थल पर गया तो वहाँ पे प्रधान श्री अतर सिंह जी की तबीयत नासाज पाई गई। उन्होंने 2 या 3 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है तो डिहाइड्रेशन, रास्ते में उड़ रही धूल और गर्मी और कुछ नहीं खाने की वजह से कमजोरी चक्कर की उन्होंने शिकायत बताई। उनका कल भी ब्लड प्रेशर हाई हो गया था और आज भी उनका ब्लड प्रेशर हाई पाया गया। वे डिहाइड्रेशन की वजह से भी उनको परेशानी हो रही है, कुछ खाया नहीं इस वजह से भी, और कुछ चिंता विकार भी इसका कारण है। अभी उनको हॉस्पिटल में यहाँ एडमिट कर लिया गया है। कल भी उनको प्राथमिक उपचार के बाद रिलीफ मिल गया था, अभी भी एडमिट कर लिया गया है और कुछ समय बाद में देखते हैं उनकी तबीयत कैसी रहती है। अगर कुछ तबीयत में सुधार नहीं आता है तो उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल अलवर रेफर भी किया जा सकता है। अभी वो कुछ बयान देने की स्थिति में नहीं लग रहे हैं। आज इस धरने को चलते हुए लगभग 6 से 7 दिन हो गए। हमारे प्रधान जी पंचायत समिति के लगातार धरने पर बैठे हैं, भूख हड़ताल पर रहे हैं। कल इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा नासाज हो गई थी, उसकी वजह से इन्हें अस्पताल में भी भर्ती करना पड़ा, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद इन्हें कुछ सुधार आया, डॉक्टर ने फिर छुट्टी दी। रात दिन धरने पर बैठे हैं। प्रशासन की मिली भगत से और बड़ी मंथली लेकर के प्रशासन इनको चलवाता है। इनको बंद करवाना चाहिए, प्रशासन की लापरवाही है जो इन्हें बंद नहीं करवाता है। रोज डंपरों से मंथली लेता है प्रशासन, प्रत्येक थानों और तहसील में सब जगह मंथली जाती है इनकी। ये लोग इस पर कोई लगाम नहीं लगा रहे हैं तो हमारा तो इस प्रशासन से सबसे यही है
कि इनको जल्द से जल्द ओवरलोड जितने भी डंपर हैं इनको बंद कराया जाए और जो स्कूल से पीछे आते हैं डंपर इनको बिल्कुल बंद करा दिया जाए। आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि अगर सरकार ने इस पर एक्शन नहीं लिया तो हम इस आंदोलन को उग्र आंदोलन में भी बल देंगे, सब चीज़ करेंगे जो चीज़ करनी होगी हमें इस रोकने के लिए, हर चीज़ के लिए तैयार हैं यहाँ पर, और बाजार बंद करेंगे, अनिश्चितकाल तक बंद करेंगे बाजार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन को लेकर ब्रह्म कुमारीज में उत्साह का माहौल बना हुआ है। आबू रोड पर वैश्विक शिखर सम्मेलन की तैयारी जोर शोर से जारी है। आयोजन स्थल डायमंड ओल को विशेष रूप से सजाया जा रहा है। वहीं शांतिवन परिसर में सम्मेलन को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। 3 और 4 अक्टूबर को शांतिवन में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी। मंगलवार को शांतिवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में ब्रह्म कुमारीज के महासचिव राजयोगी ब्रज मोहन ने बताया कि 4 से 7 अक्टूबर तक वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। शुभारंभ 4 अक्टूबर को सुबह 9:30 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया जाएगा। इस दौरान राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मुख्य रूप से शुभारंभ समारोह में शामिल होंगे। वहीं ATL के निदेशक मुकेश गुप्ता भी अलवर से इस वैश्विक सम्मेलन में शिरकत करेंगे। आध्यात्मिकता द्वारा स्वच्छ एवं स्वस्थ समाज विषय पर यह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस ने राज्य सरकार पर हल्ला बोल किया धरना प्रदर्शन। प्रदेश में सुविधाओं के अभाव और ठप कानून व्यवस्था सहित उठाए कई मुद्दे। अलवर कोर्ट परिसर में नियमित सफाई के लिए जजों ने नगर निगम को किया पाबंद, साथ ही चलाया सेवा ही स्वच्छता अभियान। 3 माह बाद खुले सरिस्का में सैलानियों की रही चहल पहल। 43 बाघों के कुनबे के चलते साइटिंग में होगी आसानी। और अलवर में रामलीलाओं का दौर हुआ आरंभ। अवैध समाज में 109 साल से जारी है सिलसिला, वहीं तांगा स्टैंड पर भी रोजाना होगा मंचन। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवाड़ी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।